भाजपा द्वारा शुरू की गई कोरोना योद्धाओं के सम्मान व आभार अभियान के तहत नरेंद्र त्री ने कोरोना योद्धाओं पर पुष्प वर्षा कर सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। पुष्प वर्षा के समय आभार व्यक्त किया तो एक कोरोना योद्धा सम्मान व स्नेह पाकर भावुक हो गया। वह उसने इस अभियान के लिए आयोजकों को जी खोलकर प्रशंसा की व धन्यवाद किया और कहा कि आज तक किसी ने भी सफाई कर्मियों को इतना स्नेह व सम्मान नहीं दिया। हिंदुस्तान को जय नमस्ते। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये परिवार सबसे बढ़िया लगा। आज तक किसी ने कूड़े वाले को पूछा नहीं, बस यही बोलना चाहता। जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं तो हमें भी डर लगता है कोरोना से, पर क्या करें, हमें काम करना पड़ता है और लोग हमारा सम्मानित करते हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय सचिव रहे नरेंद्र त्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न संकट की स्थिति में कोरोना योद्धा जिम्मेवार वो शानदार भूमिका निभा रहे हैं, अतः इनका सम्मान वो आभार वो प्रोत्साहन अति आवश्यक है। अत्री ने सफाई कर्मी कोरोना योद्धाओं को सम्मान व आभार व्यक्त करने के बाद ये बात कही। नरेंद्र त्री ने कहा कि पूरे राष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर विभिन्न क्षेत्रों में जिम्मेवार भूमिका निभा रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान व आभार व्यक्त कर रही है। नरेंद्र त्री ने कहा कि देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश व प्रदेश की सरकारें भारत शक प्रयास कर रही हैं इस महामारी को नियंत्रित कर रोका जाए। नरेंद्र त्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में घबराने की नहीं बल्कि उस संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है जो संकल्प देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने दिलाया है। इस मौके पर नरेंद्र त्री ने सामाजिक संस्था यस हिमाचल की ओर से कोरोना योद्धाओं को सैनिटाइजर व फेस कवर भी बांटे। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र भर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर सम्मानित कर रही है, आभार व्यक्त कर रही है उन कोरोना योद्धाओं का जो संकट की इस घड़ी में अपनी जान को जोखिम में डालकर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आम जनमानस के जीवन में आवश्यक सुविधाओं का अभाव ना हो, चाहे वो बतौर डॉक्टर भूमिका अदा करने की बात हो, स्वास्थ्य कर्मी अपनी भूमिका अदा करने की बात हो, सफाई कर्मचारी के तौर पर अपनी भूमिका अदा करने की बात हो, पुलिस कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी या अन्य किसी भी रूप में जिम्मेवारी का निर्वाह करने की बात हो। भारतीय जनता पार्टी आभार व्यक्त करती है उन कोरोना योद्धाओं का जो इस संकट की घड़ी में अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। इतना कहना चाहूँगा कि घबराने की नहीं बल्कि संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है, क्योंकि इस महामारी को पहले भी शीर्ष नेतृत्व ने देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सामूहिक तौर पर संगठित होकर, संयमित व संकल्पित होकर इस महामारी को हम हरा सकते हैं। जो भी मूल मंत्र दिया जा रहा है, जो स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं, सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, चाहे वो 2 गज की दूरी की बात हो, चाहे वो अपने फेस को कवर करने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर को यूज़ करने की बात हो, चाहे आरोग्य ऐप को डाउनलोड करके एहतियात बरतने की बात हो, ये तमाम जो विषय हैं वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे। यही जो सुझाव हैं, यही जो प्रयास हैं, वो कोरोना को हराने में हम सबकी मदद करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी स्तर पर चाहे वो देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार, पूरा प्रयास इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लग रहा है कि इस महामारी को हम नियंत्रित कर सकें और ख़त्म कर सकें।